उसका तीसरा को कलर मुझे लग रहा फिरोजी कलर टर्कोइज़। अरे लड़की हेलो। हारे तुम्हारे साथ क्या मसला है? इसे फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मेरा मसरूफ थी, काम में मसरूफ थी। वो इशल, मुझे तुमसे भी पूछना था कि कल फिर मिलोगी ना? पता नहीं। देखो इशल, मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद को घर में कैद मत कर लो। तुम्हें परेशान नहीं दिख सकता ना मैं? किसने कहा कि मैंने खुद को कैद कर लिया? इशल बात को समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझसे मिलोगी, बात करोगी, दिल हल्का होगा ना तुम्हारा। आज सुबह तो मिली हूँ मैं तुमसे, समझने की कोशिश करो। मेरे वालदैन अभी भी सदमे में हैं, मैं सिचुएशन में उसे बार बार नहीं मिल सकती। तो आज का तो नहीं कह रहा ना मैं तो कह रहा हूँ कि कल मिल लो फिर दोबारा। ठीक है, मैं फोन करूंगी, तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, मिलना जरूर। हारिस मैंने कहा ना, मैं फोन करके बता दूंगी। बाय, खुदा। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? क्यों? भूल गए? आरिफ की वेडिंग एनिवर्सरी डिनर पे बुलाया उसने आज। अरे यार, मेरी अपनी वेडिंग का सर्कस बना हुआ है, मैं क्यों जाऊं किसी की एनिवर्सरी पे? तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं शावेज? नहीं, मैं अकेले नहीं जा रही। अब शादी के बाद कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अब तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं मिसेज आरिफ को फोन करके रिग्रेट कर लेती। तुम इजी हो जाओ। ऐसा वो समझ ही नहीं रहा, मैं हारिस को इतनी दफा मना कर चुकी हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो ये चैप्टर भी क्लोज हो जाना चाहिए। मेरे पीछे पड़ गया यार, मैं तंग आ गई हूँ। मैं कह रही हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उससे एक दफा मिल लो, आराम से समझाओ तुम उसे, वो समझ जाएगा। फायजा, इतनी दफा तो समझाया मैंने उसको, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो एक दफा और मिल लेती हूँ, तुम आओगी ना? हाँ आ जाऊंगी, मुझे तो वैसे भी जाना था, बस तुम आ जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शावेज, हमने हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए, अब तुम जज्बाती होके फैसले करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये घर छोड़ के गए हैं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था वो नाराज होंगे और रिएक्ट करेंगे, लेकिन इस तरह। मैंने 3 साल पहले ही तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन किया, और इन 3 सालों में हम दोनों ने मेहनत करके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तुम
इन छोटे इश्यूज में घिरे रहोगे तो बिजनेस इग्नोर होगा और ये तुम्हारे और मेरे लिए सही नहीं है। ठीक कह रही हो आसमा, लेकिन देखो इमोशंस भी जिंदगी का हिस्सा हैं, हम उनसे अलग होकर जिंदगी इतनी गुजार सकते। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इमोशन जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ जज्बात के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हम दोनों ने यह फैसला किया था कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं लाइफ पार्टनर बन के रहेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हूँ। कर रही हूँ, मुझे लगता है मेरा फैसला सही था। सही था नहीं, सही है। तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि हमारी शादी की पहली रात कितनी टेंशनों में गुजरी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वो वक्त गुजार लिया, अब हमें संभल जाना चाहिए, तुम्हें संभल जाना चाहिए। तुम देखना कुछ वक्त गुजरेगा तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार सब ठीक हो जाएंगे। हमें बिजनेस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बिजनेस में ही हमारा फ्यूचर है। और ऑनेस्टली शाबिश, मैं बिजनेस के बाद सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ठीक है, बस इसी तरह मेरा साथ देती रहो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दिया हमेशा, पता नहीं क्यों मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका तुम्हारे सामने, लेकिन फायजा जानती थी, है ना फायजा? तुम जब भी मेरे सामने शावेज का जिक्र करती थी मेरा दिल टूटता था, दिल जलता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया, जानती हो क्यों? क्योंकि तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, हमेशा तुम्हें तसल्लियां दी, क्योंकि मेरे लिए मुझसे ज्यादा दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी तुम, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। हारिस मुझे तुम्हारी हर बात की कदर है, मगर 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 क्या है इशर? मगर क्या इशर? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे मानूस हैं, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ काफी होता है यार। हारिस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मानूस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे सिंसियर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी के साथ भी अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करूं। देखो मैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तुम्हें तो सब पता है यार, कुछ बताओ, समझाओ, बताओ यार इसे। हारिस मैं तुम्हें यहाँ समझाने आई हूँ, मैं तुम पे एतमाद करती हूँ कि तुम एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरी बात समझ जाओगे। एतमाद तो मुझे भी तुम पे पूरा है, खुदा का वास्ता समझ जाओगे तुम भी मेरी बात। कैसे दोस्त हो यार, तुम मेरी प्रॉब्लम समझने के बजाय मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो हारिस। एक तो यहाँ मैं इतने मुश्किल में हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त खो दूंगी, और अगर अब तुमने मजीद ऐसी कोई बात की मैं तुमसे आगे नहीं मिली। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करोगी तुम मेरे साथ, तुम क्यों नहीं मिलोगी? फाइजा मैं जा रही हूँ, तुम चल रही हो? मैं नहीं तो तुम्हें ड्रॉप करना है। तो फिर उठो ना, किस चीज का इंतजार कर रही हो? मैं छोड़ दूँ? नहीं, तुम बैठो, सोचो, समझो उन सारी बातों पर जो मैंने तुम्हें अभी कही। थैंक यू। ठीक है, फिर तुम जब आओगे तो बात करो। हाँ हाँ ठीक है, खुदा। क्या कह रही थी? बस अफसोस कर रही थी कि फौरन कहने लगी कि अच्छी किस्मत है इशल की के बच गई, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बस यही कह रही थी। लेकिन आपने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने कुछ कहा भाई, बस मैंने तो इत्तला दे दी कि कैंसिल ही समझो, ऐसा ऐसा हो गया है, जब उसे ख्याल आएगा तो खुद ही बात कर लेगी। और लिख लो, हमारी इशल की शादी वहीं होके रहेगी, अच्छा लड़का है। हाँ अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन आप
आप ईशल से जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ भाई, जब वक्त आएगा तो पूछ लूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उससे ना पूछूं? है देखना, शाजिया जरूर रिश्ता लेकर आएगी। अंकल, मैं आपसे ईशल का रिश्ता मांगने के लिए। रिश्ता मांगने का कोई सलीका होता है मियां? अंकल, मुझे ये सलीका नहीं आता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपकी ईशल की परेशानियां खत्म कर दूं बस। लेकिन बेटा, हमें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आंटी, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं। हाँ, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन देखो, तुम्हें अपने वालदैन के साथ आना चाहिए था। है बेटा, इस तरह तो कोई नहीं आता। वालदैन नहीं मेरे। बेटा, और कोई तो होगा? जी, एक बहन है, वो मुल्क से बाहर रहती है। लेकिन आंटी, आप लोग तो मुझे जानते हैं ना, मैं पिछले 4 साल से ईशल के साथ पढ़ रहा हूँ, आपको तो सब पता है। ये ऐसा क्यों कह रहा है? भाई, मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई जिक्र ही नहीं किया। जाहिर है, ये लड़का ईशल की इजाजत से आया होगा ना। अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें बता देती ईशल। हाँ, आप जाएं, जरा पता करें उससे। रक्षी खाला, हुआ क्या है? ये तो तुम बताओगी कि क्या हुआ है। क्या मतलब? ये हारिस को तुमने कहा है आने को? हारिस? मैं क्यों कहूंगी आने के लिए, कहाँ है वो? तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। मेरा रिश्ता लेके? लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? देखो, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बता दो हम लोग। अरे खाला, अगर मुझे पसंद होता मैं आप लोग को बताना देती। एक काम करें, अम्मी अबू को बोलो जबरदस्ती निकाले, धक्के देके यहाँ से निकाले। अच्छा अच्छा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ। तुम यही रहना चाहो, बताना। और इसका बच्चा कौन सी? यार, वो तो कहती है उसने नहीं कहा। अच्छा, खुद कैसे आ गया? चले आप। क्या करूं? अंकल, मैं और ईशल एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। और अरे, यूं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को समझते हैं हारिस मियां। तुम ये बताओ, तुम करते क्या हो? ये अभी कुछ नहीं करते। जी, मेरी बहन का बिजनेस है, इंशाल्लाह उसे मैं ही संभालूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, लेकिन हमारा अभी ईशल का कहीं भी शादी करने का इरादा नहीं। आखिर क्यों आंटी? करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी भरे पूरे खानदान में करना चाहते हैं। तुम अकेले हो और तुम्हारा अभी कोई मुस्तकबिल भी नहीं। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम फिलहाल अपनी तालीम पर तवज्जो दो। अंकल, मैं ईशल को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे, और वो भी मुझे पसंद करती है, चाहती है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए उससे। बहरहाल, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, तुम जा सकते। वैसे फायजा, अगर वो चाहती ना, एक दफा प्यार से अपने घर वालों से बात करती तो इतना बड़ा मसला नहीं था, बना सकती थी। वो तो मेरे सामने भी नहीं आई। हो सकता है वो उस वक्त घर पर ही ना हो। नहीं, कैसे घर पे, कैसे नहीं हो सकती? वो यूनिवर्सिटी के अलावा कहाँ जाती है? और मुझे पता है, मुझे लग रहा था कि वो करीब है कहीं, मुझे फील हो रहा था, मैं देखता रहा, पता नहीं आएगी अभी, चाय लेके आएगी या कुछ। नहीं आई, सामने नहीं आई। फिर जब उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि तुम जाओ, मैं परेशान हुआ, मैंने सोचा चलो फोन करके उससे पूछता हूँ, फोन नहीं उठाया यार उसने। वैसे एक बात है हारिस, वैसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए था उनके घर, वो पहले ही कितने परेशान है। क्यों? अगर उसके वालदैन ने इनकार किया है तो आई एम सॉरी,
मगर फिर इनकार ही समझो, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके तो हाँ नहीं कहेगी ना। भूल जाओ तुम उसे। भूल नहीं सकता हूँ यार उसे। क्यों नहीं भूल सकते यार, क्या बच्चों वाली इज्जत लगा रखी है तुमने? ये दुनिया है, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती है। हर चीज चाहिए भी नहीं मुझे, हर चीज मांगी नहीं, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ मांगा हो। इंसान हूँ, एक चीज तो हक है ना यार मेरा। इशल दो मिले ना कम से कम। कुत्सिया में कहाँ अकेली हूँ, रहमान है ना मेरे साथ। लेकिन रबिया, जवान बेटे के होते हुए यूं आप लोगों का अकेले रहना कुछ अच्छी बात तो नहीं है ना भाई? जिनकी औलाद नहीं होती वो भी तो यूं ही अकेले रहते हैं। भाई साहब वो बात और है, लेकिन आपका माशाल्लाह से जवान बेटा है, अल्लाह रखे आप जवान औलाद को अपने से दूर तो नहीं रख सकते ना? नहीं कुत्सिया, ये मेरा मामला है। हम तो वैसे ही तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हैं। अभी तो हमने उस बच्चे से जाकर माफी मांगी है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, कैसी माफी, काहे की माफी? वो बच्चे आपकी अपनी बच्ची है। फिर भी भाई साहब हम यही चाहते हैं कि आप इस मामले को खत्म कर दें। जो कुछ भी हुआ बस आप उसे भूल जाइए, आप शाबेश को माफ कर दें, और आप लोग भी शाबेश के साथ जाकर रहे। मेरे को कुत्सिया कैसे करना है क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी बातें करके हमें मजीद शर्मिंदा ना करो। अब हमारा शाबेश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बात करूं फायजा, उसने मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आके मेरे वालदेन को बदजत किया है। अब सबको ये लगता है कि मैंने हारिस को यहाँ आने के लिए कहा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, सबको ये लगता है कि मेरी और शावेस की मिली भगत है। शावेस को कहीं और शादी करनी थी और मुझे हारिस से, इसलिए सब कुछ हुआ है। तुमने हारिस को मना किया था ना फायजा? मैं और क्या बात कर रही हूँ, उसको मैंने साफ कहा था कि मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। और फायजा तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम वहां थी नहीं, तुम सब जानती हो। हाँ लेकिन हारिस तो ऐसा तासुर देके बैठा है जैसे उसकी और तुम्हारी बात हुई हो फोन पे, और वो फिर आया है। खैर अब ये बताओ आगे क्या करना है? उसे बस बोल दो कि मुझे उससे बात नहीं करनी, मेरे वालदैन जहाँ चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, और अगर वो नहीं चाहेंगे मैं पूरी जिंदगी घर पे बैठी रहूंगी। तो फुप्पर फुप्पो की फिक्र हुई जा रही है, कितने अकेले हो गए होंगे वो दोनों। ईशल तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से हारिस को समझाने की कोशिश करूंगी, बाकी आगे अल्लाह बेहतरी करने वाला है। यही तो दुख है, अगर शाबेश पहले बता देता तो ईशल उसके नाम का जोड़ा क्यों पहनती? शुक्र करें आपा जोड़ा ससुराल से नहीं आया, वरना आप कह सकती थी कि ससुराल का जोड़ा पहन लिया। वैसे बड़ा बदनसीब लड़का है, बहुत पछताएगा देखिएगा आप। पछता भी रहा है लेकिन अब फायदा? वैसे आपा अगर अब हम ईशल का रिश्ता असद के लिए मांगे तो? क्या कह रही हो तुम इस वक्त? मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर अब हम रिश्ता मांगे असद का तो क्या अजीम भाई वगैरह कबूल कर लेंगे? हाँ शादी तो करनी है। मैं तो कुत्सिया और अजीम से यही कह रही थी कि बल्कि बेहतर है कि इन्हीं दिनों में कर लें, सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि। अरे हालात तो जो होने थे वो हो गए, अब तो उनको अपनी बेटी का मुस्तकबिल सोचना चाहिए ना। वैसे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कल रात हम लोग बैठ के यही बातें कर रहे थे कि अगर अब असद की शादी ईशल से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पापा आप अजीम भाई से बात करके तो देखिए। हाँ देखो मैं सुचिया और अजीम से बात करूंगी, लेकिन जो कुछ भी होगा धूमधाम के बगैर,
लेकिन ये तो अभी बहुत आगे की बात है, पहले वो लोग माने तो। पापा आप कोशिश तो करें ना, मैं घर जाके बताऊंगी ना तो सब बहुत खुश होंगे। मैं तो आपा अफसोस करने आई थी और घर में भी यही कह के आई थी कि बात नहीं करूंगी आज यहाँ पर, मगर आपा मैं आपसे तो कर सकती हूँ ना, आपसे तो कोई तकल्लुफ नहीं है। हाँ अगर वो लोग होते तो मेरी हिम्मत ना होती। हाँ भाई तुमसे तो कोई तकल्लुफ नहीं है। देखो चाय का कहा था अभी तक नहीं आई। चाय। थैंक यू। कितनी देर तक टाइप करोगे तुम? यार बस एक बहुत जरूरी मेल भेज रहा हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं इतनी खुश हूँ कि I can't contain it। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ। चलो ऐसा क्या हुआ? हुआ क्या है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोजिशन ने हमारी कंपनी को चूज किया है। कैन यू इमेजिन, हमारी USA की बिगेस्ट बिजनेस कन्वेंशन है। तुम्हें पता है दुनिया भर से बायर्स आएंगे, कितनी सारी डील्स हो सकती है हमारी वहाँ पे। नाइस। कब जाना? अगले महीने। उन्होंने सैंपल्स मंगवाए हैं, जैसे ही अप्रूवल आएगा फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है, प्लीज जरीना से कहो दोबारा बना दे। हाँ अगर जरीना होती तो मैं उससे जरूर कहती, लेकिन तुमने खुद ही जरीना और यूसुफ को अपने पेरेंट्स के घर भिजवा दिया। अरे यार तो तुम बना दो। अब हाँ मैं बिल्कुल चाय बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शावेज सुबह से ना मैं घर के कामों में उलझी हुई हूँ। तुम्हें पता है हमारे पास सिर्फ एक आसिया है जिसको कुछ करना नहीं आता, रोटी तो वो गोल बना नहीं सकती है। ऊपर से मैं किचन में जाती हूँ तो मुझसे पूछती है मैं कौन से साबुन से बाजी बर्तन धो। आई मीन हाउ कैन आई टेल हर दैट। चाय तो दूर की बात है, वो सही तरह से झाड़। शावेज तुम कहाँ जा रहे हो? चाय बनाने। आप अगर वाकई ऐसा हो जाए तो हम एक अजाब से बच जाएं। हो क्या जाए, हो गया है कुत्सिया। उसने खुद मुझसे कहा है शाजिया ने कि मैं जाऊं और तुमसे और अजीम भाई से पूछूं, तुम लोग राजी हो तो वो रिश्ता लेकर आना चाहती है। पहले तुम ईशल से पूछो, उसे सब कुछ बता देना। उसे ये भी बता देना कि अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो इनकार कर दे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपनी वजह से अपनी बेटी की शादी करें। हमारी वजह से क्या मतलब? कुत्सिया सच्ची बात तो यह है ना कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोग सवाल ना करें। वो तो सही है अजीम, लेकिन अगर ईशल की शादी देर से हुई तो खुद उसके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इन हालात में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा का रिश्ता आए। आप बस आप एक बार ईशल से जरूर पूछ लें। हाँ उससे पूछे बगैर कुछ हो सकता है, वो पूछूंगी। ठीक है आप पूछने ज्यादा बेहतर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। शाविस मैं तुमसे बात कर रही थी तुम उठ के यहाँ चले आए, तो क्या अपनी सारी परेशानियों का बदला मुझसे लोगे? बदला? कौन से बदले की बात करी अस्मा, मैं तुमसे क्यों बदला लेने लगा? लगता तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियां तुमने मुझ पे डालनी है। वो काम जो नौकरों से करवाने वाले होते वो भी मुझसे करवा रहे हो तुम। ऐसा कौन सा काम करने को कह दिया मैंने तुम्हें? कल तुमने एक आयरन शर्ट मुझे पकड़ाई और कहा अस्मा इसे इस्त्री कर दो, मतलब सीरियसली? अरे यार वो तो एक शर्ट का बाजू सही से प्रेस नहीं हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। सो व्हाट। अच्छा फाइन, आइंदा मैं अपने काम खुद कर लिया करूंगा। देखो शावेज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं तुमसे बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि मैं ये घर के काम काज करने वाली लड़की नहीं हूँ जैसे वो तुम्हारी मिडिल क्लास कजन है। देखो मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारा बिजनेस संभालती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता ये घर के काम करने का। ठीक है कल से हम दोनों अपने घर के छोटे मोटे काम खुद कर लिया करेंगे। अभी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, इस वक्त मुझे मजीद टेंशन मत दो। मजीद टेंशन मैं दे रही हूँ तुम?
क्या चाह रही हो तुम? हाँ, देख रही थी मेरे ऊपर परेशानियां कम है क्या जो तुम उन पर मजीद इजाफा कर रही हो? I'm sorry, शावेज, but ये परेशानियां मेरी वजह से नहीं है. अब तुम्हारे माँ बाप खुद घर छोड़ के गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? अस्मा प्लीज, मेरे माँ बाप का नाम तुम ना ही लो तो बेहतर होगा. ये ठीक है कि उनकी वजह से परेशानियां हैं, ये ठीक है कि उन्हीं की वजह से मैं टेंशन में हूं, लेकिन उन परेशानियों का एक सबब तुम भी हो. मैं भी? हाँ मैं भी, क्योंकि तुम भी हो. हम ये बातें छोड़कर इस वक्त प्लीज किसी और चीज पे बात कर सकते हैं. हाँ शावेज, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम लोग खुश रहें. तुम्हें पता है ना, इतनी बड़ी कंसाइनमेंट की डील फाइनल कराई है मैंने आज. वो जर्मनी वाली? Exactly, जिसके कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद भी तुमने छोड़ दी थी. I know. और तुम फिर भी मेरी कदर नहीं कर रहे. ठीक है, तो क्या चाह रही हो? हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए और बाहर जाके डिनर करते. That's actually a very good idea. वो मैं एक्चुअली घर में खाना बना लेती, लेकिन कुछ है नहीं और टाइम भी बहुत. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यू राइट, हमें बाहर जाके खाना चाहिए. इट विल बी गुड फॉर अस. ठीक है, ओके, मैं बैग लेके आती हूं. आ जाओ सर. बेटा जैसा तुम कहोगी ना, बस वैसे ही करेंगे हम लोग. मैंने सोचा था मैं जॉब कर लूंगी. मम्मा पापा को मेरी शादी की इतनी क्यों टेंशन है? ये मत समझना कि वो तुम्हें बोझ समझते हैं. बस ये हादसा ना हुआ होता तो उन्हें कोई फिक्र ना होती. अब भी उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी. ठीक, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, कभी तो करनी है. क्या पता उस वक्त कैसा रिश्ता मिले. देखो ये इसको, असद को तुम थोड़ा बहुत जानती हो, खानदान देखा हुआ है उसका, पढ़ा लिखा है, अच्छी शक्ल का है, अपना बिजनेस है उसका बेटा. क्या शादी के लिए तीन चीजें काफी होती हैं? और कब तक ये तीन चीजें देखकर हम बेटियां ब्याहते रहेंगे? खाला शावेज के पास भी ये तीनों चीजें थी, फिर क्या हुआ? बिल्कुल सही है, लेकिन असद की ख्वाहिश है कि वो तुमसे शादी करे. वो तुम्हें पसंद करता है बेटा, और फिर तुम्हारे माँ बाप भी मुतमइन हो जाएंगे कि इन्हीं दिनों में शादी हो गई. और शावेज को ये गलत फहमी थी या है कि उसने तुम्हें छोड़ा है ना तो तुम बैठी रहोगी, ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी. मुझे किसी की खुश फहमी या गलत फहमी से मुकाबला नहीं करना. तो ठीक है, इसे मैं इनकार समझ लूं. सोच लो कल तक उन्हें जवाब देना है. इसमें सोचने की क्या बात है, अब उनको इनकार कर दे. मैं जॉब कर लूंगी, मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लूंगी. और मामा बाबा को एक बात कह दे, मैंने ना कभी उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और ना कभी पहुंचाऊंगी. जो तुम्हारी मर्जी बेटा. जिसका दिल टूटता है ना, सिर्फ दिल नहीं टूटता, वो खुद भी टूट टूट जाता है. रिजेक्शन, ठुकराए जाने का एहसास, वही तकलीफ जो तुम्हें हुई थी, वही अजियत, वही दर्द, बिल्कुल वही, बिल्कुल बिल्कुल वैसा कोई फर्क नहीं है. ईशन अपने सीने में दबाए पूरी दुनिया में फिर रहा हूं मैं. मैंने नहीं बचना, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुटता है, मुझे सही से सांस नहीं आता. मेरी पहली ख्वाहिश, जिंदगी की सबसे पहली ख्वाहिश, किसी इंसान की जिंदगी की सबसे पहली ख्वाहिश, और वो टूट जाए,
पता है क्या होता है इस इंसान के साथ? ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये पूरी दुनिया बंजर हो गई उसके लिए, कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जीऊं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं भरपूर। और वो सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकता है। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जा। कुछ नहीं कर सकती हारिस। क्यों, क्या हो गया भाई? चीख क्यों रहा था? और ये तू, और तू रो क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? और ये तू किससे बातें कर रहा है? मैं तो नहीं रो रहा। अभी तो तू रो रहा था यार। नहीं, I'm fine bro. भाई शर्ट बहुत अच्छी पहनी था। तू कब आया? अभी एक घंटे से तुझे फोन लगा रहा हूँ यार, तो फोन ही पिक नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि खुद ही चलाऊं। और एक बार बता, ये तू शादी वादी की बातें किससे कर रहा था बे? शादी? कोई भी नहीं, शादी तो कोई भी नहीं। अभी तो तू कर रहा था शादी की बात। क्या हो गया जी यार, बैठ ना। असद की ख्वाहिश है कि वो तुमसे शादी करे। वो तुम्हें पसंद करता है बेटा, और फिर तुम्हारे माँ बाप भी मुतमईन हो जाएंगे कि इन्हीं दिनों में शादी हो गई। ये मत समझना कि वो तुम्हें बोझ समझते हैं। बस ये हादसा न हुआ होता तो उन्हें कोई फिक्र ना होती। हेलो हेलो इशल, इशल प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं तुम्हें कब से अपने नंबर से फोन कर रहा हूं, तुम फोन ही नहीं उठा रही, इसीलिए मैं अब दूसरे नंबर से फोन किया तुम्हें मैंने। बोलो हारिस। इशल तुम मेरी पोजीशन समझ क्यों नहीं रही हो यार? देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था ना, तब तुम थी किसी की अमानत, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब तुम किसी की इमारत नहीं हो, मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ। समझो यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए। इशल, इशल मोहब्बत हर जंग में सब कुछ जायज होता है ना। हारिस, मोहब्बत छीनी नहीं जाती और ना ही जबरदस्ती किसी से की जाती है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत छीन तो नहीं रहा ना इशल, मैं तो तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूँ। काश के तुम समझ जाओ, काश मेरे अंदर की जो बेसुकूनी है, बेकरारी है, बेचैनी है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ आ जाए ना इशा, तो एक पल से पहले तुम मेरी मोहब्बत को मान लो और मेरी हो जाओ। हारिस प्लीज, मुझे परेशान नहीं करो। अच्छा यार, कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप के पैर पकड़ लूंगा, मिन्नतें करूंगा, समाजत करूंगा उनकी, बस उन्हें कहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी मुझे दे दे वरना मर जाऊंगा मैं। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। नहीं, मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना, तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए, नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मेरी जो चलती हुई सांसें हैं ये तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारी एक हां या ना से, अगर अगर हाँ कर दोगी तो ये चलती रहेगी, और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तुमने ना कह दिया ना,
कसम से मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हारिस ये तुम क्या कह रहे हो? सच्ची हारिस? हेलो हेलो शावेज, मैं सोच रही थी कि इस बार हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिजनेस डील मुकम्मल करने के बाद क्यों ना हम यूरोप की सैर कर लें। ऑनेस्टली मैंने खुद भी यूरोप नहीं देखा और थैंक यू, और हमने जब भी ट्रैवल किया हमेशा बिजनेस के लिए किया, सो व्हाई नॉट लेट्स मेक दिस टाइम एन एक्सेप्शन। वो तो ठीक है स्वीटहार्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये टाइमिंग कुछ सही है। घर में जो कुछ चल रहा है एंड देन ऑब्वियसली बिजनेस विल आल्सो सफर। हाँ मुझे पता है, मैंने आबिद साहब से बात कर ली। कौन सी बात? यही कि हम हनीमून पे जा रहे हैं तो वो यहाँ पे काम संभाल ले। अच्छा, तो यानी आपने हमारा हनीमून आबिद साहब के साथ प्लान किया। क्या बात कर रहे हो तुम? अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं है, मैं तुमसे बात कैसे करूँ? तुम सोग भी मना रहे थे इतने दिन से। सोग? अपने माँ बाप के घर से चले जाने का सोग।